एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई थी। बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये हम लोगों को समझ में आई है कि जब ये घटना हुई तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे, मीडिया के लोग भी जानते ही हैं, घटनाओं को तुरंत रिपोर्ट हम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक ऐसी घटना देखी थी जिसमें एक व्यक्ति की, एक लड़के की गोली लगने से डेथ हो जाती है और उसके बाद ना सिर्फ पूरा समाज और परिवार बल्कि आसपास के किसी लोगों ने और मीडिया के माध्यम से भी कहीं पर कोई सूचना नहीं आती। और इस लड़के का परिवार जो है, क्योंकि इसके परिवार जो जो हैं बड़े गरीब थे और इन लोगों ने आसपास देखा कि सेम ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन पर सामाजिक प्रेशर भी था, तो उन लोगों ने अपना किसी को रिपोर्ट तक नहीं किया मैटर और शव का दाह संस्कार भी कर दिया था। 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 20 दिन तक इस घटना की कोई भनक नहीं थी पुलिस को भी और किसी को भी, कैसी कोई घटना घटी है कहीं पर भी इसको मीडिया के द्वारा भी नहीं उठाया गया था। लेकिन हम लोग एक अन्य केस का उद्भेदन करने के प्रयास में कुछ अपराधियों को के पीछे हम लोग लगे हुए थे। उसमें जब कुछ अपराधी के बारे में हम लोग को पता चला तो उनका टेक्निकल एनालिसिस हुआ तो देखा गया कि वो इस मंदिर परिसर में शादी समारोह जो 3 तारीख को था वहाँ गए हुए थे। जब इनसे जाने का वहाँ औचित्य पूछा गया और वहाँ फिर हम लोगों ने पता चला कि ये हथियार लेकर वहाँ क्यों गए थे, तो स्पष्ट हुआ कि वहाँ पर उस दिन इन्हीं लोगों के हथियार से एक लड़के की डेथ भी हो गई थी। मृतक जो है वो प्रत्युष कुमार नाम का लड़का था और प्रत्युष कुमार नाम के लड़के की गोली लगकर डेथ हो गई थी। तो इस घटना में हम लोगों ने घटना का उद्भेदन नहीं, पहले तो घटना का ही पता लगाया, जो कि किसी ने नहीं बताया था, घटना का पता लगा और फिर घटना का उद्भेदन भी किया गया है। 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पीयूष चौधरी इसमें एक अपराधी है जिसके पास, और साथ ही छोटू सम्राट किशन कुमार उर्फ छोटू सम्राट, ये दोनों कुवली राम गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ हुई, इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। इन लोगों ने बताया कि इनके पास एक देसी पिस्टल था जिसको लेकर के ये भुवनेश्वर मंदिर परिसर के अंदर गए हुए थे और इनके ग्रामीण के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, उसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। 3 दोस्त आपस में थे, मृतक और बाकी 2 साथी भी थे, और ये लोग वो पिस्टल को आपस में खोल जोड़ करने का प्रयास कर रहे थे और एक दूसरे को दिखा रहे थे। उसी क्रम में जब पिस्टल पीयूष चौधरी के पास थी तो पीयूष चौधरी ने उसको दे दिया था छोटू सम्राट को। छोटू सम्राट ने जब उसको लॉक अनलॉक किया, उस क्रम में जो ये लोग इतने ट्रेंड तो होते नहीं हैं, तो पिस्टल जो है फायर हो गई और सीधे पीयूष चौधरी के प्रत्युष कुमार के पेट में लगी, जिससे प्रत्युष कुमार की डेथ हो गई। इनके शव का दाह संस्कार भी परिवार ने कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद जब हम लोगों ने इनके, जब पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो वादी के जो मृतक थे उनके परिजनों से संपर्क किया, तो परिजनों ने घटना को स्वीकार किया, जहाँ ये घटना हुई थी, लेकिन सामाजिक दबाव में और अनेक कारणों से उन्होंने घटना को ही रिपोर्ट नहीं किया था। फिर FIR दर्ज कर ली गई है परिजनों के बयान पर ही, और इन दोनों लड़कों से पूछताछ, दोनों लड़कों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। इनका उद्देश्य मारने का नहीं था, लेकिन ये पिस्टल को कैरी कर रहे थे और खोल जोड़ रहे थे, उसमें चूक से गोली लग गई थी, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा जा रहा है। इनके जिस पिस्टल से घटना हुई थी, पिस्टल बरामद है और 7.65 mm के 8 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल से बरामद हुए। इस घटना के खुलासे में SHO ताजपुर और SHO बंगराम ने सराहनीय कार्य किया।